सागर रहली एसडीएम को दिया ज्ञापन। किसानों ने पीला मैजिक रोग से किसानों की सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है। सर्वे की मांग की गई है और किसानों ने बीमा राहत राशि की मांग की गई। साथ ही किसानों ने ये भी कहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। 17-18 का उर्दा का और सोयाबीन का सेंट्रल बैंक से केसीसी मेरा है। इस साल भी मैंने नया करवाया, बीमा कभी नहीं मिलता। जब एक दो बार पिछली बार मिला तो बहुत कम मिलता है, 2000-4000। मेरा किसान कार्ड 1.5 लाख रुपए का करीब। एसडीएम को किया है कुछ कार्रवाई? कार्रवाई कहाँ बोले, कोई नहीं सुनता। कहाँ कंपनी है, किसने बीमा कराया है, कहाँ कौन बीमा करता है? और वो बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा, वो फसल बीमा कटती है। अभी कल बैंक में चल के कर लो, पता नहीं होती बीमा, पिछली साल का मिला ही नहीं है। अब मिलेगा, कम मिलेगा, एक बात चलती रही। इसकी कोई सर्वे नहीं हो रही। अपने यहाँ 8 दिन में टोटल खेत खत्म हो गए। पहले सही थे, 5-6 दिन में टोटल अपने आप। जैसे पता किस समस्या लेकर आप आज? हम समस्त किसान दहली क्षेत्र के जूना छपरा दरार के तिंची बरखीरा बगरौन चौरा मड़ला नवारी और संपूर्ण रहली विधानसभा क्षेत्र में हम सभी किसान महाजनों ने खरीफ फसल सोयाबीन और उड़द की बुआई की थी। फसल भी ठीक थी, लेकिन 15 दिन के भीतर एकाएक सोयाबीन और उड़द फसल में पीला मोजेक वायरस लग जाने से संपूर्ण फसल अफलन हो गई, नष्ट हो चुकी है और हम सभी किसान महाजनों के ऊपर एक आफत आ चुकी है। ये आज जूना और छपरा तिंसी दरारी कुछ किसान यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने इस बात पर ज्ञापन दिया है कि उनकी फसल पीला मोजेक रोग से ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए मैंने अभी तुरंत संज्ञान लेकर उप संचालक कृषि को पत्र लिख दिया है कि वो यदि ऐसा कोई रोग फैल रहा है तो उसकी जांच कराएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे।